माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके सामने अगला बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डोंट रीड। स्पीकर महोदय जी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। इससे पहले कि चीफ मिनिस्टर अगला बजट पढ़े, इन्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आपने हमारे एमएलए को जेल में क्यों डाला है? हम पे झूठे करप्शन के केसेस लगाए हैं, हमारे फोन टैप हो रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या कोई तानाशाह, आपको अभी इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है। अपोजिशन को अपनी पहले की हुई काली करतूतों का जवाब देना ही पड़ता है। पहली काली करतूतें? महोदय सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? एमजीआर और उनकी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं? जिस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी जनता की सेवा में लगा दी, कौन होते हैं आप उनपे कीचड़ उछालने वाले? तुम होती कौन हो इनके बारे में ऐसा बोलने वाली? हाँ, क्या तुम एमजीआर की पत्नी हो या बेटी हो या कोई रिश्तेदार, उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी हो? और कौन तुम? आज सबके सामने सच बताना होगा। एमजीआर के साथ रिश्ता क्या था तुम्हारा? इस रिश्ते का कोई तो नाम होगा, जब एमजीआर ने ही ऐसे बेनाम रिश्ते को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दी। तो ये बताओ, तुम जनता से क्या चाहती हो? ए तमीज से बात कर, कुछ भी बके जा रहा है। ए, ए, चुप, तू मुझे तमीज सिखाएगा? औरत के पीछे खड़े होके ऐसे थलाई भी चलाते रहने से ये कोई बहुत बड़ी लीडर बन के एमजीआर की जगह नहीं ले सकती। और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी, क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। आज मैं शपथ लेती हूं कि इस सभा में